क्यों काया और भटका माया। यार तू जोड़ी जोड़ के और इधर जागा और श्री गीता ज्ञानी सुना कर बंदे रपर लपर उतर जागा। श्री गीता ज्ञान सुनिया कर बंदे परले पार उतर जागा। न्यू कह करे राम को नाम सुनना हूँ ये बुढ़िया कह करे कि पाप कट जा। ये पेड़ा बुढ़िया तो राम को नाम लिया करता लेकिन तावी आजकल वाला राम को नाम ली गुनिया। ये पेड़ा तो ना आया करता टाट के ऊपर पानी पड़िया करता जी हरे राम हरे कृष्णा भगवान का नाम मुंह से निकलिया करता। आजकल वाला तो पानी लगता नहीं पार रहे तो पक रहे बड़ा भगवान ने जाने ही गुनिया क्योंकि जमाना बढ़ जाना है कहा गया। ये गाना बजाना बदल गया आजकल क्योंकि आजकल का विचार बदल गया। मेन बात तो ये है काल परसों में भी जीवन खातर माला काम में तले गो दस ओठण में जना डीजे बाजा डीजे के ऊपर एक गाना लाग रहा हरियाणवी छण छण बाजा बाजा मेरी ताकड़ी अरे को बुढ़ती ना चन अब्बर साल की। मैं खड़िया खड़िया देखूं ताऊ मुझे ये ताई तेरी आठ बाजन की टाइम रे जीव की ताकड़ी बाजन की टाइम रे दी लेकिन गाना बजाना था वो कहा गया बड़े गया अपना ज्ञान सुने कौन। लेकिन बताते हैं जहाँ पर जति सती नहीं नहीं नाम राम का और जहाँ हरी भजन सत्संग नहीं वो नगर किस काम का। भगवान का सबसे बड़ा उत्तम नाम बताया नंबर एक में कवि ने बताया कैसे की सेवा कर ले जातन बल की चाइना हो विद्वानों की तू सेवा कर ले विद्या की चाइना हो विद्वानों की सेवा कर ले विद्या चाइना हो रेखा के गी गावन जातन में परसाना हो पर नारी थे लोगों पर नारी थे के रहिए जतन वंश जताना हो नारी बच के रहिए जतन वंश जताना हो और पाछ नरी पछताना हो भाई और पाछ नरी पछताना हो तेरा घड़ा बाप का कर ले जतन बल की चाइना हो इन विद्वानों की सेवा कर ले जय विद्या की चाइना हो तव गा के घी का वन करया कर जतन में परसाना हो और पर नारी ते बच के रहिए जतन वंश चलाना हो।
फिर पाछा नर पछताना हो तेरा घड़ा पाप का भर जाएगा। श्री गीता ज्ञान सुनिया कर बंदे परले पार उतर जाएगा। लेकिन ताऊ जमाना कुछ अलग हो गया। एक रोहतक कानी की बूढ़ती रा अपने राजस्थान में ब्यारा की। अब वह बूढ़ती 90 साल की हो रही अन माता भाणा का एक सबसे बड़ा त्यौहार है और रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। बुढ़ती उम्र में देखे ले भी रांड फेरों को 90 साल की होगी कद जी निकल जाएगा। और आखिरी बार भाइयों के राखी बांध दिया इब कहीं जाए यहाँ भी जोड़ा काख में टांग के रड्डा के ऊपर आ गई अपनी गोडा पकड़ के। और बस की बाट देखकर बढ़ जानी तक रोडवेज बस चाली थी पतराणी। आर वह बुढ़ती बस की बाट देखकर झुंडो कानी से ताऊ बस आई। आर बुढ़ती हाथ मारे रे बेटा रोक रे ये वो बस वाला ताऊ बस रोकी जो उन टाइम में छिदी मारी बस चलिया करती बढ़ जानी। आर भीड़ हो रही खचा खच बुढ़ती कल रे फाटक में कचड़ी रहा अगला फाटक तानी पहुंच गई। बुढ़ती ने कोई सीट कौन दे क्योंकि भीड़ ज्यादा लंबा रूट की बस रोज तक जाना। आर वह बुढ़ती हूँ फाटक में गली गड़ी हूँ कंडक्टर ने बोले रे बेटा रामफड़ मने तो गोडाम दर्द रे मने सीट दिवाता उड़ो। वो रामफड़ बोले ताई कड़े ते सीट दिवाऊँ रे बोनट के ऊपर बैठ जा और जगह को न्या। बुढ़ती ने ताऊ बुला के बोनट के ऊपर बैठा दी। बोली लोग आई बापरी बैठ गयो बोनट पड़ जानो तातो बड़े। आर वह बुढ़ती मारे मशकोड़ा इब आगला टक ऊपर दो मटम खड़ी काली चश्मा लगाया बैग टांगिया क्रीम पाउडर लगाया और बसाड़ा भी बड़ा खड़िया ही ब्रेक मारिया। बोलो मैडम जी जल्दी ऊपर ना और जू वो मैडम ऊपर न चढ़ी। दो नौजवान छोरा मड़ा बड़े दिन सीट छोड़ दी। बुढ़ती माथम हाथ मारे मर रहे सीटा नाशियो मेरे खातर सीट कोनी छोड़ी और अन छोरिया खातर सीट छोड़ दी। खैर आंट कोई बात कोनी बुढ़ापा है बापड़ी उल्टी बोनट पर बैठ गई ताऊ। ये बस 15-20 किलोमीटर और आगन चाली किमी तो बा ऊपर की गर्मी किमी नीचे की गर्मी यो जेठ का महीना किमी ताऊ भीतर की गर्मी बोनट लाल हो गो। आर वा बुढ़ती जाड़ भी जा बठी कदे नमस्कोड़ा मारा कदी नमस्कोड़ा मारा उन छोरिया की निगाह बुढ़ती में पड़ गई। बुढ़ती में पड़ गई जो बुढ़ती खान देख देख के हंसे दोनों छोरी गट 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 बुढ़ती भी उड़ट्यो को गए खड़ी होगी। बोले छोरियो मेरे का नहीं रांडो के दांत पाड़ो हो ये 15-20 साल और डट जाओ जवानी को नूर डल जाए बोनट पर तो ताने भी आके बैठना पड़ा को एक दिन। ये कई छोरा भाई ही मड़ान का नहीं गेल ने देखे मेरे का नहीं कभी देखे बड़ा जब कोई नहीं कोई बोरा इतने बुढ़ापा होगा जना कि अच्छा कौन लगेगा ये राम को नाम ही काम आओ। नंबर दो में कवि ने बहुत ही अच्छी कल्पना की। सबसे बड़ी सेवा घर में किसकी होनी चाहिए सबसे बड़े देवी देवता को। हे रमात पिता और मात पिता मात पिता गुरु को की सेवा कर ले तन मन धन लाके सेवा ते गरी पार हो खेवा देख लिए मेवा खाते चावे तो धर्म करया तीर्थ ऊपर जा करके पुत्र जाए कर संत की सेवा लोक मोह माया रे दूसरा के पुत्र जाए संत की सेवा लोक मोह माया रे दूसरा के ये रब भूखे ने भोजन करवा के रब भूखे ने भोजन करवा के रात
सेवा को नाम गौ का बताया। मात पिता गुरु गो की सेवा कर ले तन मन धन लाके, सेवा ते तेरी पार हो खेवा, देख लिए मेवा खाके। रे धन चावे तो धर्म कर्या कर, तीरथ ऊपर जा करके, पुत्र चाहे कर संत की सेवा, मोह माया ने बिसरा के, भूखे ने भोजन करवा के, तू राज मुल्क का कर जाएगा मुल्क मानी देश। श्री गीता ज्ञान सुनिया कर बंदे परले पार उतर जाएगा। भगवान का नाम लेना कई फायदा हुए। एक तो दारू पीणी आदमी और डेली मटो माल्टा भी बोतल पी हुए राजस्थान माज डोला मारू गला गया। दारू जरूर पियो लेकिन रोजिना सोना से पहले एक बार बालाजी महाराज का नाम जरूर लेके सोए। एक दिन बालाजी खुश हो गया और सुपने में प्रकट हो गया, भाई तू दारू जरूर पियो लेकिन तू मेरा नाम लेके सो, आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग। दारू खोरी इनके चाय बोले, हे बालाजी महाराज एक पौवा करी पिया दे दो तो मोज हो गया। बालाजी बोला, रह बेटी का बाप साक्षात बालाजी प्रकट हो रहा है कि मैं बत्ती माया मांग। बोले एक काम करो फिर दो पावा का रुपया दे दो। अरे बोले और सोचने बड़ा इस सोच को नाम लियो जमड़। बोले एक काम करो फिर 20,000 रुपया दो, ठेकाना की गैलरी उधार भी उतर जाएगी। बालाजी मन में विचार करे 20,000 रुपया देगा पीपी की मर जाएगा अपन और गड़ लगेगा। बोले भगत एक काम कर ले 20,000 तो दू कने रुपया ले 5,000 तू बीच को सो तो कर ले। दारू खोरी एक मड़ा का उल्टी जचरी बोले ना मत लू तो पूरा 20,000 लू। रब तो 5 ले ले मत तो पूरा 20,000 लू। न्यू हाथ मारे चमड़ा पग के ऊपर हाथ लगे मटा की आंख खुल गई। इब तऊ चोकर दे देखे मुड़ 5 भी गया 20 भी गया। ये मुड़ धक्का हूं आंख में चर गुदड़िया हाथ दे उल्टा कह मुन्न 5 ही दे दे। अरे बावड़ा वो सपने की माया थी, सपने के अंदर चली गई। इसी प्रकार से इंसान का एक जीवन भी सपने की तरह होता आता है और चला जाता है। न्यू कह रहे कोई खोतो मजनू कह रहे मेरे मन काल किसी बात लागे फलानी बहुत अच्छे आदमी सो। ये सारी काल किसी बात है, इंसान का जीवन भी काल का सा ही है। कहने का मतलब इंसान इस दुनिया के अंदर आता चला जाता, अमर सिंह नाम कानो ना तो कोई अमर हो यार ना कोई हो जाना सबको पड़ता है, लेकिन परमात्मा का नाम सर्वोत्तम उच्चा बताया गया। नंबर 3 के अरे पूजा भी गल्डी गल्डी देखे मो तू 2 मिनट था उस राग तेरो भी नंबर आओगे। आज देखो ये जो बाग बगीचा आपके बीच में लगा हुआ ये भी समय का है। आदमी हर चीज को समय आवे है। आज ये तरह तरह का क्रीम पाउडर लगाए फॉर्च्यूनर गाड़िया में बैठ बैठा था, एक टाइम में कहा होगा टम्पू भी गुन बैठाओगे 5-10 साल बाद में, क्योंकि अनका भी समय जा चुका होगा। इंसान आज बूढ़ा बैठे कई जवान बैठे हैं, भी बूढ़ा होना है, समय का खेल होता है श्रोताओं। बताया नंबर 3 में ये रनिंद रात चुगली, निंद रात चुगली करे सुने बिने, न्यू नर बोला ओ गुंगा हो, धन की चोरी र करने वाला लोगो निर्धन भूखा नंगा हो, धन की चोरी करे मेरा झूठ कवाई वो देने वाला जो कोटी और उलंगा हो, बिना दोष के लावणिया भाई साथ जन्म भी मांगा हो, बिना दोष के तेरे गात का ढंगी कुड़ंगा हो भाई, तेरे गात का ढंगे Oh,
वैसे रागनी पे खुश हो गए बाबूलाल जी यादव, तय दिल से बार बार धन्यवाद है। कम से कम बूढ़ी रागनिया पे कम से कम 100 रुपया दे दिया, आजकल जवानी रागनिया पे दी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी का, 100 रुपए का मान सम्मान किया। और नंबर 4 में कवि ने बहुत ही अच्छी कल्पना की, इंसान के विचार के बारे में लिखा, कैसे नजर। जब इंसान की नजर जहां तक जाती है वहां तक का ये विचार काम करना शुरू कर देता दिमाग। कईया की नजर तो इन्हें गैल ने टिकरी उनको विचार तो उसो चालू हो रही, और कोई मेले बजनाम टिकरी उनको विचार बजनावर को चालू हो रही हो। सारो खेल नजरा को बताओ, इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो देखा वही विचार आप दिमाग में प्रतिक्रिया। आंख मिच के बैठ जाओ जना क्यों कौन देखा विचार चालू हो ही कर, लेकिन इन आंखों से सब चीज हम देखते हैं। अगर बालाजी महाराज की तरफ देखेंगे तो भक्ति भाव का मन करेगा, बूढ़ा बुजुर्ग का देखा तो और विचार बदल जाएगा, और वही डांसर का देखा जो अलग विचार हो जाए। इस सब विचारों का खेल है बताया। ये तिरछी नजर, तिरछी नजर लखाने वाला यो काना अंधा हो जाता, मांस मिट्टी के यो खाने वाला लोग कीड़ा अंधा हो जाता, मांस मिट्टी के खाने वाला कीड़ा।